Let's do question number 16th of exercise 3B, that is linear equation 2 variable. Question number 16th is solve for x and y. हमें x और y की value निकालनी है और हमें equation दे रखी है 6x plus 5y equals to 7x plus 3y plus 1 equals to 2x plus 6y minus 1. जब भी इस type की वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, इस टाइप की इक्वेशंस दी हुई होती हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हमारी इक्वेशन है 6x plus 5y equals to 7x plus 3y plus 1 equals to 2 into x plus 6y minus 1, ये दे रखा है। अब देखिए क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है उसको हमने a माना, इसको हमने b माना और इसको हमने c माना, राइट? तो इसका मतलब a इक्वल है b के और इक्वल है c के, तो इसका मतलब a इक्वल है b के और c भी इक्वल है b के, या मैं ये कहूँ a इक्वल है b के और a इक्वल है c के, किसी को भी इक्वल रखूँ, चाहे मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रखूँ तो भी आंसर सही आएगा, इन दोनों को रखूँगी तो भी आंसर सही आएगा, राइट? तो अब मैं किसे किसे लिखती हूँ, अब मैं इसे और इसे रख के देखते हैं। तो हमने रखा 6x plus 5y equals to 2 into x plus 6y minus 1, राइट? तो ये आ गया 6x plus 5y equals to 2x plus 12y minus 2। अब x और y की टर्म्स एक साइड, 6x माइनस का हो जाएगा 2x प्लस 5y, 12 माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 2, तो ये आया 4x प्लस का माइनस हो गया 7y इक्वल्स टू माइनस 2, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, राइट? अब इसी तरीके से मैं अभी मैंने इसे a को और c को लिया था, अब मैं b और a को ले रही हूँ इक्वल, तो ये आया हमारा 6x प्लस 5y, आप चाहें तो b और c को इक्वल ले सकते हैं, इक्वल्स टू 7x प्लस 3y प्लस 1, राइट? तो ये आया 6x, 7x माइनस का हो गया क्योंकि इधर आ गया, प्लस 5y माइनस का 3y इक्वल्स टू 1, तो ये कितना है, माइनस का x प्लस का 2y इक्वल्स टू 1, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, राइट? अब हम इसको लिख लेते हैं 4x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 2, ये आई थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और माइनस का x प्लस का 2y इक्वल्स टू 1, ये आई थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखेंगे कि यहाँ x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली x के टर्म्स का कॉफिशेंट है 4, उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो हमें साइन भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग इट बाय 4, तो हमने लिखा मल्टीप्लाइंग, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, तो ये कितना आ गया, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ आ गई और सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी माइनस 4x प्लस का 8y इक्वल्स टू 4, साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए 8 प्लस का है और 7 माइनस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का लगेगा, इसी तरीके से यहाँ पे होगा, तो हमारा ये यहाँ आ गया y इक्वल्स टू 2, अब y की वैल्यू 2 आ गई, अब इस y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, पुटिंग y equals to 2 in equation first, तो ये कितनी थी 4x minus 7 into 2 equals to minus 2, तो 4x कितना आ गया minus 14 equals to minus 2, तो 4x आ गया हमारा minus का 2 plus का 14, तो ये कितना आ गया 4x आ गया हमारा 12, तो x कितना आ गया 12 upon 4 that is 3, तो हमारी x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 2 इज़ द आंसर।